अंदर आता था, लेकिन ऊपर से गुस्सा हम नहीं दिखा सकते थे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था यार ये समझ क्यों नहीं रहा है। वो समझ इसलिए नहीं रहा है कि वो भी हमें देख रहा था कि ये क्या करता है, ये बीच रास्ते पे छोड़ तो नहीं देगा मुझे, या वाकई में ये मंजिल पे पहुंचेगा क्या, ऐसी वैसी सिस्टम में तो नहीं है ये, या वाकई में ये सही सिस्टम पे है। तो लोग मुझे परखते हैं, मुझे जांचते हैं, मुझे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क आज चल रहा है, लोगों को फेस वैल्यू खराब करके चला जाता है, इसीलिए लोग जल्दी आते नहीं है। तो दोस्त मैंने उनको विश्वास दिला दिया, जब उन्होंने बोला कि कार ले आना ना तो मेरे को ड्राइवर रख लेना, तो मैंने कहा आग लग गई तन बदन में, मुझे समझ में आ गया था कि इनको नहीं अभी पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक सही ईमानदार सिस्टम में हूं, और सिस्टम में हूं मैं, कोई स्कीम वाला प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, पीयर बनाने या किसी का पैसा लगवाने वाला सिस्टम में नहीं हूं, मैं प्रॉपर सिस्टम में हूं। एक दिन मैं कार ला के दिखाऊंगा और 100% लाऊंगा। दोस्त इसको बोल के मैं चला गया, उस दिन से लोग और मजाक उड़ाने लगे, कब आएगी तेरी कार। जब लोग बोलने लगे ना तो मैं समझ में आ गया कि ऊपर वाला मेरे को जांच रहा है कि मोइन अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा। और मैं लगातार और मेहनत किया, क्योंकि दीवानगी तो आनी चाहिए, जब दीवानगी हमारे अंदर आता है ना, पागलपन हमारे अंदर आता है ना, तभी उस काम को कर पाते हैं, तभी उस चीज को हासिल कर पाते हैं जो चीज हमें चाहिए। अगर दीवानगी नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो चीज आपको चाहिए। हल्के में मत लेना किसी काम को, वेस्टीज प्लेटफॉर्म हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी सक्सेस से मजाक कर रहे हैं, अपनी सक्सेस से आप सीरियस नहीं है। तो हल्के में मत लेना दोस्त, सीरियस हो जाना, इसको दिल में उतारना। और सबसे बड़ा मुझे एक चीज लगता है कि हर कहानी से ज्यादा बड़ा, हर बहाने से सबसे बड़ा मेरा कैरियर है। कैरियर से बड़ा कोई काम नहीं होता है दुनिया में। जब हम होते हैं इस काम के लिए तब हमारे लिए काम सीरियस होता है। तो जब सीरियस हो गए ना तो आपको दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा। जैसे आप देख रहे हो कि आज बहुत सारे चैलेंज है। मैं एक चीज जानता हूं कि 6 महीने से 6 साल से 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, आज सबका लॉकडाउन हो गया है, मतलब सब काम बंद हो गया है। सोच के देखो मेरे दोस्त, उनका क्या आलम होगा जो वेस्टीज नहीं समझा है, जो डेली कमाता है डेली खाता है, उनका क्या आलम होगा, कितने बच्चे उनके परेशान होंगे। दोस्त तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं अपलाइन का, और आज समझने की जरूरत है दोस्त कि आने वाला टाइम में आप इतने साल हो गए, आज भी 1 महीना राशन नहीं है तो 1 महीने के लिए परेशान हो, तो इसका मतलब है अपने आप को, खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है कि आप कौन सी जगह पे हो, आप कहां हो, क्या है आपके पास और क्या चाहिए आपको, इसको समझने की बहुत जरूरत है। ताकि इतना 3 से 5 साल आज से कसम खा लो और खुद से वादा करो, खुद से, किसी और से नहीं, खुद से वादा कीजिए कि मुझे 3 से 5 साल डट के वेस्टीज में करना है काम, दिल से करना है वेस्टीज में काम, कोई बहाना नहीं चलेगा, लेकिन परंतु नहीं चलेगा। 3 से 5 साल अपलाइन जो कहेगा उसको मैं फॉलो करूंगा, सिस्टम जो कहेगा उसको फॉलो करूंगा, और हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, बहाना साइड करके हर वो मीटिंग देखूंगा जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमारे ऊर्जा बढ़ने का मौका मिलता है, सफलता लेने का मौका मिलता है, हौसला बुलंद होने का मौका मिलता है। वो काम हम करेंगे और वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो मुझे लोग सब रोकते हैं, जो कहते हैं कि ये काम बेकार है। बेकार उनके लिए है, वो अभी तक समझ नहीं पाया है, राइट, कि कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ हमें अलग करना पड़ता है। और आज ऐसा काम करना है 3 से 5 साल कि 6 महीने के लिए भी अगर कोई दिक्कत आए, ये तो कुछ भी नहीं है दिक्कत, दिक्कत और भी आ सकता है, हमें नहीं पता, ये ऊपर वाले का कह रहे भाई, इससे हम नहीं बच सकते, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी जरूर कर सकते हैं। सेफ्टी करना बहुत जरूरी है। घर में रह रहे के लोग बोर हो गए हैं, अब बिना कैदी का कैदी हो गए हैं। सोच के देखो दोस्त, अभी ऊपर वाले से कामना करने की जरूरत है, खुद को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, वो नेगेटिव की तरफ बिल्कुल मत सोचो, उन आम आदमी के जैसा कभी मत सोचो जो खास आदमी सोचते हैं,
उनके जैसा सोचो, उनके जैसा कभी मत सोचना जो खास नहीं सोचते हैं, कुछ अलग नहीं करना चाहते, उनके लिए उनके जैसा सोच कभी मत रखना। आप अपनी सोच उन कामयाब लोगों के जैसा रखो जो कामयाबी की तरफ चल के कामयाबी को लिया है। उनकी सोच को अपने अंदर उतारिए और अपने आप को राइट समय में काम को अंजाम दीजिए। राइट प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अपलाइन जब फोन करे आपके पास तो अपलाइन को फोन करने से पहले आपका फोन अपलाइन के पास आना चाहिए। अगर आपका फोन अपलाइन के पास आ रहा है तो आप ये समझो आप सक्सेस के लिए तैयार हो। अगर अपलाइन का फोन आपके पास आ रहा है तो आप ये समझो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक कभी मत करना दोस्त। और ये कुछ बात मेरी अच्छी लगे तो अपने जहन में उतार लेना, क्योंकि मैं सिखाऊंगा नहीं, जो मेरा अनुभव है जिसको मैं करके आज कामयाबी के तक पहुंचा हूं वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी बहाने थे, अगर मैं बहाना करता तो मुझे कामयाबी कभी नहीं मिल पाती।